आप गल करन जा रहे हैं बेल्जियम कंट्री के बारे। बेल्जियम कंट्री के बारे इनकवायरियां भी बड़िया होनगियां, कॉल भी बड़िया होनगियां, पर यह चीज़ नहीं पता होता कि रिक्वायरमेंट की है। जिवें कि मैनू कमेंट आया सी एक कि बेल्जियम का वर्क परमिट लगता है, तो मैं उन्होंने कहा कि सर वर्क परमिट दूर की गल है, स्टडी वीजा नहीं लगता। सो रिप्लाई वगैरह आया जी असी नॉलेज लिए पूछ रहे हैं जी। मैं चलो मैं चीज़ा नहीं कुछ कहना चाहता, सो मैं तो सिर्फ तुम इन्नी चीज़ ही कहना चाहना है, इन्हू लीव करो। बाकी मैं थोड़े तो माफ़ी मांगदा जे थोनों कोई साड़ी गल का गुस्सा लग्या, बट मेरा ये गल्ला कहण का मतलब थोनों ये है कि तुसी कहने हो वर्क परमिट लगता। सो इत एजेंट डील करते हैं वर्क परमिट, वो फिर फस जाने हैं, फिर बेल्जियम कंट्री तो देखो दूर की गल है, तो फिर पैसे खराब होंगे है। सो इन्हें फसो ना, मेरी गल तो गुस्सा ना करो, मेरी गल का तुसी एक अमल करो कि उदे नाल थोड़े पैसे बच सकते। हुण इत्थे कमेंट विच आउणगे बथेरे वर्क परमिट मैं ला के दिखाउणा जी, आह देखो आह कंट्री दा लगदा है, देखो मैं वर्क परमिट लाउणा, तुसीं इह देखो तुसीं लगाउणे, तुसीं लाओ, मैनूं कोई दिक्कत नहीं। बट इह गल तुसीं मेरी क्लीयरली सुण लो कि वर्क परमिट वगैरह असीं डील नहीं करदे, सानूं नॉलेज नहीं हैगी, बस क्लीयर कट इह है। क्योंकि मैं तुहानूं प्यार नाल इह गल समझा हट गया कि सर वर्क परमिट वीजे नहीं लगदे हुंदे, वर्क परमिट वीजे नहीं आते होंगे, ना फसो, पर तुसीं की करना है, मैं जाना वर्क परमिट से। चंगी भली स्टडी MCA MCOM MTech वगैरह भी बंदे कहणगे जी मैं वर्क परमिट से जाना है। सो जे तुसीं भी कही जाने वर्क परमिट से जाना है, तो फिर देखो साढ़े वर्गे का की बनूगा। सो ये चीज़ों नू तुसीं समझाओ उन्होंने, सो इन चीज़ों के मगर ना पाओ। सो जे तुसीं भी प्लीज़ कोई बंदा कोई एजेंट जां कोई बंदा वीडियो देख रहा मेरी जिहड़ा कहिंदा मैं वर्क परमिट मैं लगा के दिंदा है, तो मैं थोड़े तो भी माफ़ी मंगदा, क्योंकि माफ़ी मंगण नाल कोई बंदा छोटा नहीं हुंदा। पर मैं ये गल कहना चाहुंदा है कि देखो मैं वर्क परमिट ये नहीं कि डील नहीं करता, मैनू इस चीज़ नू मैं पूरे गहराई विच कीता, वर्क परमिट वीज़ा उन्ना चिर नहीं आउंदा जिन्ना चिर थोड़े कोई स्किल नहीं। हुण मान लो मैं इलैक्ट्रीकल है, उत्थे इलैक्ट्रीकल दी जॉब आई है, वो जिन्ना चिर मेरे को प्रोपर स्किल नहीं उन्ना चिर वो वर्क परमिट वीज़ा नहीं आता। पर इंडिया के सूँ पता है भी जे किसी को स्किल है ना, वो बंदा इतने सैट है। सो कोई मैनू लगता नहीं कि हुण इतने जिहड़े कॉल आउंदी है, मतलब कि लीव करो तुसीं इस चीज़ नूं, वर्क परमिट वीज़ा नहीं लगता। सो आपां स्टडी वीज़े की गल करांगे। पहली गल तो यह है बेल्जियम के वास्ते जे तुसीं अप्लाई करना है विदाउट आईलैट्स अप्लाई नहीं होंदा। हुण तुसीं कह रहे हो कि हुण तुसीं कहता विदाउट आईलैट्स अप्लाई नहीं होंदा, दो मिनट बाद कहता जी विदाउट आईलैट्स अप्लाई होंदा। विदाउट आईलैट्स का मतलब ये नहीं कि अप्लाई नहीं होंदा, विदाउट आईलैट्स का मतलब ये है कि बेल्जियम वर्गी कंट्री दे विच अच्छी प्रोफाइल चाहिए है, चंगी प्रोफाइल चाहिए है। क्योंकि देखो आईलैट्स होने दे नाल एक बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पोंस आता। हुण जिन्हां कोल आईलैट्स नहीं हैगी ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਨ ਕੋਲਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਵੜੋ। ਸੋ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਸਟੱਡੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਬਾਜ ਉੱਚੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਸਟੱਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਡੇ 70-75 ਹੈਗੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 101% ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਹਾਓ ਮੈਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੋਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਰੋਇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ,
देखो तीन चार यूनिवर्सिटियां तुसीं लीव कर दो, चार यूनिवर्सिटियां दे विच इंग्लिश दे विच कोर्स ही नहीं है, सारे कोर्स उन्हां दी लैंग्वेज दे विच ने। सो उहदे विच आपां नूं मत्था मारन दा फायदा नहीं। यूनिवर्सिटियां रह गईआं सारीआं 6 या 7, हुण उहनां दी ट्यूशन फीस बड़ी घट है, बड़ी घट फीस है। देखो तुसीं मन्नोगे नहीं जे तुहानूं दिखदा 1100 यूरो 2500 यूरो 1800 यूरो दिख रहे हैं आई थिंक तुहानूं, जां नहीं मैनूं नहीं लगता, पर मैं देखो थोड़े नेड़े करती आ चीज़ PDF जी भी यह थोड़े सामने है इन्नी ओह आ। सो जे हुण आपां गल करांगे तुसीं आ देखो कि इहदे विच तां इह लिखिआ होइआ कि नॉट फाउंड नॉट इन इंग्लिश। देखो सो इह चीज़ां दे विच ना मत्था मारो, ये चीज़ां असीं मत्थे मार मार के थक गए, ये चीज़ां असीं अपने कोल रख के की करना, तुहानूं दस्सांगे असीं, जे तुहानूं दस्सांगे तां ही देखो तुसीं किसे गलत दे धक्के ना चढ़ोगे, ना एवें किसे होवोंगे। सो सब तो पहलां तां मैं तुहानूं ये गल क्लीयर करदा कि बेलजियम दे विच तुसीं MOI दे नाल अप्लाई कर सकते हो, जे तुहाडे कोल IELTS नहीं हैगा तुसीं अपना MOI डॉक्यूमेंट दो, तुसीं अप्लाई कर सकते हो। दूजी चीज़ यह है कि इन्हां दे विच जिहड़ी डेडलाइन है वह 1 अप्रैल 30 जून 1 मई, मतलब कि 1 अप्रैल आलमोस्ट सारिआं दे विच 1 अप्रैल दी डेडलाइन है। 1 अप्रैल तो पहलां तुसीं अप्लाई कर सकते हो, इस तो बाद तुसीं अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पोर्टल क्लोज हो जूगा। हुण जिहड़ी ट्यूशन फीस आउंदी है 1100 यूरो तो लैके 4200-4300 यूरो तक आउंदी है, कई कोर्सां दे विच 2200 यूरो ट्यूशन फीस है, कईआं दे विच 3100 है 2300 है। देखो इन्नी इन्नी घट ट्यूशन फीस तुहानूं बेलजियम दे विच, बेलजियम कंट्री दे बारे सर्च मारो, तुसीं दस्सिआ है कि बेलजियम दी ट्यूशन फीस। हुण तुसीं सारी यूनिवर्सिटियां दे विच ना मत्था मारियो, बस मैं तुहानूं इह कहूंगा कि 1100 यूरो तो स्टार्ट हो के वह 4200 यूरो तक। हुण डिपेंड करता कि किहड़ा कोर्स लैणा है, हुण जिवें कि अपने टैक्नीकल कोर्स ने जां इंजीनियरिंग दे कोर्स ने उहनां दी फीस 3200-3200 यूरो है, इकनोमिक्स दे कोर्स पोलीटिकल साइंस दे कोर्स दी 2200 यूरो फीस है, वह 1 साल दी ट्यूशन फीस है। इस दे नाल नाल कल्ली एक मैनूं लगदा एक यूनिवर्सिटी है सेंट लोस यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसल, इहदे विच 200 यूरो एप्लीकेशन फीस है, बाकी सारी यूनिवर्सिटियां दे विच एप्लीकेशन फीस सारी 50 यूरो, सिर्फ 5000 रुपया एप्लीकेशन फीस है। एंड इस दे विच तुहाडा ब्लॉकड अकाउंट जरूर लगेगा जिहड़ा कि 12 लाख रुपया तुहानूं नाल नाल लैके जाना पवेगा। कुछ यूनिवर्सिटियां दे विच इत्थे GMAT मंगदे आ जी, GRE भी मंगदे आ, GMAT सारे जी मंगदे आ, GMAT मास्टर लई मंगदे आ, ते GRE एग्जाम एंड एक सैट का एग्जाम होंदा है वह बैचलर लई होंदा है। सो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब कि यह हरेक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, इहदे तों डरना नहीं। सो मैं तो सानू यही गल कहूँगा कि जे तुहाडी बेलजियम दे कंट्री दे रिगार्डिंग इनकुआरी है तुसीं सानूं किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो। हुण एक चीज़ होर, बेलजियम दे विच तुसीं अपना स्पाउस वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते, सिंगल वीज़ा अप्लाई होगा। दूजी चीज़, बेलजियम दे विच जिहड़ी तुहाडी अंबैसी फीस आउंदी है वह 25000 रुपया आउंदी है, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फीस जाती है बेलजियम दी गौरमेंट नूं जिहड़ी कि 30-32000 रुपये जाती है, वो बारे भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो जिहड़े डाकूमेंट चाहिए है वो वास्ते कई कैंडीडेट या कई एजेंट कहते हैं जी तुम ऐ करो डाकूमेंट HRD करवा लो, वो लिखा होंगे डाकूमेंट अटैसटेशन, सिर्फ अपोस्टल करवाने हैं, अपोस्टल डाकूमेंट चलणगे 10वीं तो लैके लास्ट एजुकेशन तक। इस दे नाल नाल बेलजियम दे विच जिहड़ा मैडिकल डाकूमेंट लगता है उहनूं तुसीं अपोस्टल नहीं करवाउणा, वह दिल्ली तो होगा जिहड़ा कि एक स्पैशल ऑथोराइज डॉक्टर है, स्पैशल गौरमेंट ने ऑथोराइज किया होया। मैं तुहानूं दा रैफरेंस जां एड्रैस वगैरह दस दूं उहनां दा, तुसीं उहनां मैडिकल तो उत्थे ही करवाउणा, 5-6000 रुपये खर्चा उहदा, सो उही मैडिकल करवाउणा है स्पैशल ऑथोराइज डॉक्टर तो। सो हुण मैं तुहानूं कल्ले कल्ले डाकूमेंट बारे मैं वीडियो च नहीं दस सकता, तुसीं मेरे चैनल नूं जे तुसीं सबसक्राइब कर दोगे फिर मैं तुहानूं कल्ले कल्ले डाकूमेंट दे बारे भी जरूर दसूंगा, क्योंकि देखो इक्को वीडियो विच मैं इन्ना कुछ नहीं दस सकता। सो आपां बार बार हरेक वीडियो लैके आवांगे,
ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੈਲਜੀਅਮ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਬਲੋਕਡ ਕੰਪ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੈਲੇਟਿਵ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟਿਫ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਦਾ ਸਪੋਂਸਰ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ